नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग पिछले 2 सालों से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। हिंदू पता नहीं क्यों इनके जाल में फंस जाता है। पिछले दिनों मुख बधिरों का धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ था। उससे पहले एक चर्च का नाम सामने आया था। ताजा मामला फतेहपुर से है, जहां बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पैसों का लालच देकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आए दिन जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इसमें कमी आई है। सरकार ने लव जिहाद जैसे कानून भी बनाए, लेकिन इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें सरकार का भी खौफ नहीं है। ये जिहादी पहले कमियां ढूंढते हैं, उसके बाद काम पर लगते हैं। पहले लव जिहाद का एजेंडा चलाया, फिर मुख बधिरों को निशाना बनाया और अब बेरोजगारों को निशाना बना रहे हैं। फतेहपुर जिले में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को ठगने और फिर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। वाराणसी के एक युवक को नौकरी का झांसा देकर फतेहपुर बुलाया गया, इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया। विरोध करने पर बंधक भी बनाया गया। किसी तरह पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार भी किया। पकड़े गए 2 आरोपी फरुखाबाद निवासी हैं। वाराणसी के सुधांशु चौहान ने FIR में बताया कि उसके मोबाइल पर अरमान अली निवासी जिला गाजीपुर ने 14 जून को फोन पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही। इस पर 2 दिन बाद वो अरमान के बताए पते पर फतेहपुर आबकारी कार्यालय के पास पहुंचा। अरमान उसे तुराब अली का पुरवा ले गया और अगले दिन उसे एक मुस्लिम युवक के साथ लखनऊ बाईपास स्थित मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस ले गया। इस दौरान उससे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,000 रुपए लेने के बाद 10,000 रुपए और लिए। वो 17 जून को उसी ऑफिस पहुंचा, जहां से मोहसिन यासिन नाम के युवक उसे और करीब 20 हिंदू लड़कों को 30 से 40 मुस्लिम लोगों के साथ एक मदरसे ले गए। मदरसे में बताया कि वो लोग उनके अनुसार चलेंगे तो हर महीने 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर एक सेमिनार हुआ, उसमें वक्ताओं ने संगठन से जुड़कर रुपए कमाने की बात कही। 19 जून की सुबह करीब 50 हिंदू और 100 मुस्लिम लड़कों के साथ उसे भी एक मस्जिद ले गए। मस्जिद में एक मौलवी ने मुस्लिम धर्म अपनाने और प्रचार प्रसार की बात कही। सप्ताह भर की ट्रेनिंग के बाद रुपए मिलने की बात कही। मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगे। मकान मालिक अलीम ने भी धर्म परिवर्तन के लिए बात करते हुए बंधक बना लिया। किसी तरह से जान बचाकर पुलिस तक पहुंचा। ये आप बीती सुधांशु चौहान की थी। सुधांशु चौहान जैसे हजारों हैं जो जिहादियों के इस माया जाल में फंसे हैं। कुछ लालच में फंस जाते हैं, कुछ मजबूरी तो कुछ दबाव में आ जाते हैं। जिहादियों के इस जाल को कमजोर लोग हवा देते हैं। पता नहीं कब जागेगा हिंदू। कभी हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण तो कभी मुख बधिरों पर निशाना। पहले फतेहपुर का चर्च और अब नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन। ये लोग हिंदुओं को ही निशाना क्यों बना रहे हैं, सोचा है कभी? क्योंकि हिंदू कमजोर होता जा रहा है और शायद लालची भी। लोग सनातन को अपना रहे हैं और सनातनी सनातन से भाग रहे हैं। इसे जल्द रोकने की काफी ज्यादा जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।